गाइस, कैसे आप सब लोग? होप करता हूं सब अच्छे होंगे। तो आपका वापस से स्वागत है ब्लॉग्स में। तो आज का एक बहुत सीन उल्टा हो चुका है, मतलब हो गया तो उल्टा था, क्या अच्छा क्या बुरा दिखा जी हो चुका। जो मेरी गाड़ी थी वो बिक गई फाइनली, और दूसरी गाड़ी आ गई है बाहर खड़ी है सामने पर, अभी नहीं बताऊँगा, उसका अलग ब्लॉग बनाएंगे। जिस रेंज में मेरी गाड़ी थी उसी रेंज में दूसरी गाड़ी मिली और सही आ गई, जो जिस रेंज में आई वो सही आई है, तो इतनी खुशी है। और अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स आओ, आप भी आओ मेरे साथ, हाथ मिलाओ, भिंडी काटो, भिंडी काट लो भिंडी। ये अभी लॉकडाउन में क्या करें, लॉकडाउन में क्या करें, घर वाले वैसे ही काम दे रहे हैं, तो हम भी काट रहे हैं, आप भी काट रहे होगे भिंडी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम भी भिंडी काट रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ काटो, ठीक है। और देखो चलो भिंडी काटते हैं, अपन दोनों सब मिलकर भिंडी काटते हैं, आप भी चक्कू ले। सही गलत बता के गई, मैंने भिंडी की रेट पे। 3 hours later और चंदन को का बच्चा चढ़ रहा है दीवार पे, देखो मस्तन आ जा फार्म से भाग के भाई साहब दूसरे खेत में आ गई दोनों की दोनों, एक घंटे से नहीं आ रही थी। अब जब एक दूसरे खेत वाले परमिशन ले के उसके पास फोन लगा कि इनकी खेत में आए हैं, तब जाके दोनों दे दिया आराम से। आओ 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 आओ। मैं डंडा लेके आया था, यहाँ पे सामने दो सांड खड़े हैं बड़े बड़े, एक वो रहा एक वहाँ, शायद आपको दिख रहा होगा। अब देखो एक आवाज पाएंगे, मच्छर आओ माँ आओ मचा आओ आजा, ये वहां जाएंगी, वहां से सीधे मेरे फार्म हाउस में जाएंगे। चलो चलो दोनों चलो जा, चलो 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 आरू चल चलो हाँ चल चलो 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 चलो। सो गाइस अब चालू करते हैं, मैंने गाड़ी क्यों बेची, किस लिए बेची, कितने में बेची। सो बात ऐसी है कि देखो मैं आपको, मैंने अपने पहले वाले वीडियो बताया था कि मैं तो काम करता हूँ दूध का, दूध का काम करता हूँ, तो मेरे को चाहिए गाड़ी में एवरेज, गाड़ी में एवरेज नहीं था, उसमें दो तीन प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब इसको निकाल देते हैं, क्योंकि आपको खुद को पता है पेट्रोल अब 100+ पहुँच चुका है, 100+ पहुंच चुका है, तो यार भारी पड़ रहा है। अगर मेरी गाड़ी से 25 कर रहे थे, मेरे को टोटल मेरे को दूध लेके आना जाना पड़ता है 28 किलोमीटर, वो 100 रुपये का पेट्रोल तो एक बार में पी रही थी, जिसमें 100 रुपये का एक लीटर भी नहीं आता, अब तो 98 या 97 कुछ आता है, पूरा एक लीटर भी नहीं आता, पीछे 3 पॉइंट बच जाते हैं। सो मेरे को गाड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, तो मैंने सोचा कि अब गाड़ी निकाल देते हैं। अरे यार गई स्क्रीन चली गई फोन की यार। मैं अभी व्लॉग नहीं बना रहा यार, ये यहाँ पे तख्त पड़ा है ना, इसके ये बाहर आ रहा है, इससे स्क्रीन चली गई यार फोन की। कंटिन्यू नहीं करूँगा यार, मूड खराब हो गया पूरा, बाद में आपको थोड़ा क्लिप बता दूंगा फ़ोन कैसा है, अगले ब्लॉग में बताऊंगा गाड़ी की पूरी बात। फ़ोन की हालत अब इस समय कुछ ऐसी है, मैंने इस पर ऊपर से टफन डलवाया वापस, क्योंकि वो टफन पूरा चले गया था, मेरे हाथ में अड़ रहा था वो, तो मैंने इस पर टफन डलवाया वापस, और ये देख सकते हो कि आप पूरी देखो स्क्रीन मेरी, रात के 1:30 बज रही है, पूरी स्क्रीन देखो यहाँ से, और ये एक क्रैक यहाँ तक आ रहा है, एक यहाँ से यूँ जा रहा है, इतना बड़ा, तो मेरे को उसकी स्क्रीन चेंज करवानी है, मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ब्लॉग कर नहीं पाया, अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगा।